एकदम लागू है तेरा, अभी छोड़ना ही है, छोड़ना भी ना है, अभी आरो गीत है तो आरो तोहनी को मनोबल बढ़तो और उसी प्यार आशीर्वाद से हमरो मनोबल बढ़ते और हमें आरो देते रहो। दादा थोड़ा माइक की ऐसा रखना नहीं तो हमें अपने से ले। झारखंड और हमर बीच में हो सावित्री बहिन, हमें तोर से हिंदी में बात नहीं करबू, काहे नहीं बात करबू सुन ले। एखन हम ओकर से बात कर ली तो हिंदी में बात कर ली, काहे कि वो हमने के इंडिया लेवल में ओकर ओकरा जानो थी। अच्छा बताओ, आज आइले झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तरफ से ये मानटा सम्मानटा जो मिल रही इटक बारे की कहबे? पहले तो ग्रामीण टीवी से जुड़ल जितना भी दर्शक लोग हो सबके हमर प्रणाम जोहार। और हमने यहाँ आए लिए आज आरटीआई मोड़, यहाँ पे हमने के डाकल गेले सम्मानित के लिए। और अभी सम्मानित भी इस वजह से अभी मतलब हमने के करल गेलो क्योंकि अभी तो सभी जाना है कि अभी 1932 खतियान हमने झारखंड में लागू है और अभी बहुत ज़्यादा गर्म माहौल भी है। इस मुद्दा तक लेके बहुत ज़्यादा अभी गर्म माहौल भी है और हमने मतलब झारखंड में जय अपन जिस तरह से प्रयास कर ले मतलब ये आंदोलन टके आगू बढ़ावे में है ना, बहुत कोई अपन हर तरह कर प्रयास लगा ले, कोई लड़ के, कोई अपन आवाज के जरिए है ना, कलाकार लोग अपन आवाज के जरिए, जो चित्रकार हो और अपन मतलब कला के जरिए। अच्छा बहन तो नाम का नहीं कह लिए? हाँ नाम था सावित्री ना। अच्छा कोनो बात नहीं, यही हम लोग का प्यार है भाई बहन का, भाई देख लीजिए हम लोग नाम भी नहीं बताए। अच्छा बताए नाम तो बता दे, सबको बता दे। एकदम सबको बता रहे हैं, मेरा नाम है सावित्री कर्मकार और मैं एक गायिका हूँ झारखंड से रिलेटेड। अभी मैं सॉन्ग दे रही हूँ तो हिंदी से बात कर ले, हम हिंदी से बात की कर दे बाबा। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, अच्छा छोटा आज 1932 से हमारा झारखंड है लागू हुआ कि मैंने पहला सीढ़ी चालू हो गए, एखन दू गो सीढ़ी और बाकी है, बुझाओ तोर किसन बुझाओ कि लागू होते लागू दो में गीत गाले दो में लोग के चले। एकदम लागू है तेरा, अभी छोड़ना ही है, छोड़ना भी ना है, अभी आरो गीत है तो आरो तोहनी को मनोबल बढ़तो और उसी प्यार आशीर्वाद से हमरो मनोबल बढ़ते और हमें आरो देते रहो। काहे कि एगो तोर गीत सबसे ज्यादा वायरल भेलो, ओ गीत की दो लाइन गुनगुना झारखंड से रिलेटेड की करम से रिलेटेड आंदोलनकारी से रिलेटेड तोर वायरल भेलो ना? अगर गीत जो हो तो नहीं बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिले उठा के और अभी भी दे रहा है और आगू भी देवा है हाँ। ना तो ये गीत तो हमार लगो खुईने क्रांगल झारखंड राय, तो ये गीत तो हमें दो लाइन तो अनेक बीच पेश करल चाहे हो। खुईने क्रांगल झारखंड राय, दादा थोड़ा माइक की ऐसा रखना मैंने इसीलिए खोलियो क्योंकि वैसा राइक राइक के आदत है इसी वजह से नहीं तो हमें अपने से ले हमें तो नहीं पीछे वो गीत रखे चाहे ना, वैसे फिल्टर भी है ना काम देते खुईने करांगल झारखंड झारखंड राज रे खुईने करांगल झारखंड राज पुरवा पुरो सक बलिदान रे खुईने करांगल झारखंड राज पुरवा पुरो सक बलिदान रे। कॉपीराइट गाए ना, कॉपीराइट।
सही देकर शहादते बनल झारखंड राज रे, सही देकर शहादते बनल झारखंड राज रे। जोहार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हमर तरफ से सुन ले, हमर तरफ से हमेशा तोहने के जते कहबे बराई भोरी के चाहे इथी कहे आशीर्वादे आशीर्वाद हो। और तोनी इतना बड़ो काम कर ले, हमनी तो देख हमरा के मेन बात बोलो ना कि हमरा के हियाँ के गरीब एक आवाज दूर दराज गाँवे का आवाज कोनो पत्रकार उठा कर हिम्मत नहीं कर होते, लेकिन हमारे बहुत कोशिश कर लिए। और आज तोहरा के देखिए देखिए ये बोकारो का आईटीआई मोड़ है जहाँ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा जो है कि आज सम्मान समारोह रखा गया था, और उसमें ज्योति श्री महतो धनबाद से और ये सावित्री जी जो क्रांतिकारी गायिका है वो यहाँ पे तशरीफ लाई है। और इन दोनों को हमें भी एक छोटा मोटा पत्रकार होने के नाते हमें भी सम्मान किया गया है ये पीला गमछा उड़ाकर। ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग इस सम्मान को छोटा मोटा सम्मान नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हमारी माटी के लिए अगर इनका एक भी बात से कोई झारखंडी भाई अगर अपना हौसला बुलंद किया है, अगर इनका गीत सुनकर कोई हौसला बुलंद किया है, तो ये सम्मान के लायक है। क्योंकि हमारे झारखंड की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि यहाँ 40% खनिज पदार्थ होने के साथ माने होने के बावजूद भी यहाँ के लोग आज 40% गरीब रेखा से नीचे है, 20% बच्चे कुपोषण का शिकार है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर झारखंड के जो भी कलाकार हैं, जितने भी बड़े कलाकार हैं, ज्योति जी को कौन नहीं जानता पूरे इंडिया में, लेकिन आज वो हमारे क्रांतिकारी साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए आई, उनका हौसला अफजाई की, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में और कुछ बोलिएगा सावित्री जी? अंत में बस यही बोलेंगे कि हम लोग इसी तरह से एकता बनाए रखें, और हम खोटा से ही बच के चाहे वो है ना, हाँ इटा हमरो खातिर बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है। तो और तोहनियो सुन भात जानभा की चला भाषा ही ऐसा हो जेना जाना है वो जाना है ना। तो मतलब हमें हटे कह ले चाहियो कि हमनी तो अभी झारखंड में ही है, झारखंड कर हमनी वासी लगे है ना। तो अभी हमनी के झारखंड कर जितना भी जिला हो, सब जिला एक हमनी हीरा टाइप माने एगो मतलब मान ले मोती या कुछ भी खोल कर सामान माने है तो, और हमनी के बस वही सभी जिला के एक एगो धागा में पिरो कर रखना हो तो उटा कैसे होते। हमने साथ में रहबे, एकजुट रहबे, एकता में रहबे, एकता में सब कुछ करबे मिलजुल के, तबे न हेते। तो बस हमें तो इतना सुंदर जे गीत गायले तो सबिन तो एक भइल थे आरो करबे अपन ना आयल का ज्योति जी कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं एकदम। देखिए एकता एकता अभी भी होना जरूरी है, अभी भी अगर हम लोग एकता छोड़ देंगे ना तो हमको भी लगता है कि दो स्टेप जो बाकी है ना वो भी रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो बहनें देख रहे हैं हमारी झारखंड की आगे भी रहेगा, और इस तरह से जो हमें सम्मानित करके हमारा भी मनोबल बढ़ाया जाता है उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि किसी का अगर मनोबल, किसी को आप आगे नहीं बढ़ते देख सकते तो कम से कम उसका मनोबल ही बढ़ा के उसको अप्रिसिएट कर दीजिए, उससे क्या हुआ ना उसके काम करने में और ज़्यादा उनको मन लगेगा और वो आगे भी और ज़्यादा काम करेंगे। जी जी बहुत बहुत। और ये झारखंड की जहाँ तक हक अधिकार की बात है, जिन्हें किसी तरह का अभी तक उन्हें फ़ायदा नहीं मिला आज 22 सालों में, इसीलिए हमारे झारखंड के जो भी कलाकार क्यों ना हो, कितनों बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो भी आए हैं आज मान सम्मान के लिए, ये हमारे झारखंड के लिए बड़ी बात है। भैया को सपोर्ट कीजिए ग्रामीण टीवी को। चलिए आप भी आते हो को तरह गोटे दुनिया के लोग जानो तो ना जानो लेकिन जान जी। तो अगर इसी तरह से हाँ इसी तरह से काम करते रहो, इसी तरह से प्यार आशीर्वाद तो नहीं मिलते रहो तो जरूर एक दिन जान जीते है ना। बस इसी तरह से हमने अपन काम पे लगे रहियो हमेशा बस। तो इनको इनको आप नहीं पता है, आपको हम कोयल के नाम से जानते हैं। इनकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है सच में कि मैं क्या बताऊँ। ज्योति जी का तो कहना ही नहीं, वो तो बहुत कम खोटा बोलती है, हिंदी बोलती है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बस यही आप लोग सभी से मतलब तोनी सभी से एटे निवेदन कर रहे हो कि हमने बस साथ में इसी तरह से हमेशा लड़ते रहो झारखंड के लिए। और जोनटा अभी हमने प्रयास कर लिए 1932 कर खतियान उटा हमने के बहुत जल्दी ये चीज़ का लागू हो जा और हमने बस जीत जीत जाइयो बस। ज्योति जी अंत में इनके लिए इनके लिए कुछ जो भी बोले कम है, इनसे मैं जब से मिली हूँ तब से मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बहुत ही अच्छा इनका आवाज़ है, बहुत अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी और अच्छे अच्छे गाना गाए
खट्टा तो गए ही गए, बाकी हम हिंदी में भी आपको देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे मूवीज में अच्छे गाने गाइए, बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग तो सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा और आगे भी करते रहेंगे बस। हाँ, और हम भी ज्योति जी के लिए यही बोलना चाहेंगे, मतलब बार बार वही आ जाए। हाँ, हम ज्योति जी के लिए यह कह ले चाहबो, क्योंकि हमें अखने से बहुत पीछे आए लियो, ठीक हो, मतलब ये सब सोशल मीडिया में जुड़ा लियो या फिर कुछ भी, लेकिन अखने की देख के प्रेरित है लियो, चाहे एक और लाइन ज्योति के देख के प्रेरित। हाँ, अखने की देख के प्रेरित है लियो, प्रेरित है लियो, क्योंकि चाहे ये तो दूसर लाइन से बिलोंग करो, हमर लाइन दूसर हो, लेकिन फिर भी ओकर बावजूद भी पहले अखनी के हमें देखा लिए कि अखनी भी तो एगो लड़की लगे ना, अखनी तो घर से निकलो, इतना संघर्ष करो, तो कहे ना हम हमरो अंदर में जोन होना के तमाम बेटी इनकी आवाज को जरूर सुनिएगा। तो हम ओटे सोच ले कि हमर अंदरू जोन हुनर रहे उठा के हम बाहर निकालबे, तो घर से बाहर निकलोबे तब तो शर्म तो दूर करबे तब तो बस। हाँ, बस वही चीज ये कर लिए, एकरा देख लिए, आरो जितना सिंगर हो, फीमेल सिंगर, गुंजा दी, उर्मी दी, शर्मिली दी, अखनी सबसे मतलब हमें हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेरित है लियो, और बस अखनी ये हम आज अगर हमें खड़ा ही हो तो अखनी की वजह से, और अखनी की वजह से ही है। कौन बजगा में हिंदी से बोलते, ठीक है, सावित्री जी से मिले थे। हाँ। तो ये उस टाइम उतना मतलब क्या मतलब पर्दे के पीछे ही थे, अभी बोल सकते इस साल इनका फेस थोड़ा सा हाईलाइटेड आया है, तो ये बहुत ज्यादा डरती थी सोशल मीडिया से, क्योंकि हम लोग जैसे छोटे जगह से बिलोंग करते हैं। आप ही किए हैं? ऐसा नहीं कि मैंने किया है, बस हाँ थोड़ा बहुत तो उस टाइम किए थे जब मिले थे। अच्छा। तो बस ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये मेरे से बहुत सारा पूछ रही थी कि पता नहीं आगे करें या नहीं करें सिंगिंग, तो हम बोले आप एक्टिंग मत कीजिए, अगर लोग बोल रहे हैं बस सिंगिंग तो इतना अच्छा मतलब है, उसमें लोग बुरा कैसे बोल सकते हैं, आप जब इतना अच्छा गाते हैं इसको छोड़िए मत, आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर मेरा थोड़ा बहुत हाथ रहा है एकदम है, आज आप लोग पूरा सुन लीजिए, फिर ये आई अपना चैनल भी बनाई है और उसमें काम भी करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चैनल का नाम बता दीजिए। सावित्री SRJ कर्मकार है, बट इसको अब हम मतलब अभी हमें सावित्री ऑफिशियल मतलब चेंज कर दो, ठीक है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे गाते रहिए, बस अब निकलते हैं, पानी गिरने लगा तो बैठे तो बात। काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, और ये दोनों बहन हमारे बीच में बैठी थी, अपनी राय अपना विचार ग्रामीण टीवी के साथ शेयर कर रही थी, और हम आप तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इन लोग का भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे ये लोग अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं, लोगों को मनोरंजन करने का काम करते हैं। मैं AR बकारवी, एक बार फिर जय झारखंड।